खबर गुरुग्राम से है, जहां पर झुलसाती गर्मी में भी लोग प्रदर्शन करने को मजबूर है। आपको बता दें, झुलसाती गर्मी में प्रदर्शन करने को मजबूर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई साइबर सिटी के प्यूटल दीवान सोसाइटी में फ्लैट खरीदने के लिए लगाई थी। किसी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे इसमें लगाए तो किसी ने अपने पीएफ के पैसे, तो किसी ने लोन लेकर घर का सपना संजोया, लेकिन अपना आशियाना बसने के बाद बिल्डिंग में ना बिजली का बैकअप है और ना ही पानी का। शिकायत करने के बाद भी जब बिल्डर ने इनकी नहीं सुनी तो ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। इन्हें तकरीबन 2 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर की ओर से इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। वो पेश करो, यहाँ लगभग 1 साल से हम रह रहे हैं। इन पिछले 3-4 दिन से यहाँ इतना बुरा हाल है, पूरी रात बच्चे रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली रहती नहीं है। बैकअप के नाम पे ही हमें डराते हैं कि भाई हम ऑफिस में जाएं कंप्लेंट लेके, तो इनका व्यवहार ऐसा है कि आप यहाँ बाहर से गेट आउट, ये इससे अलग ये कुछ बोलते नहीं है। और अभी भी फैसिलिटी के हम अपनी आवाज़ उठाने आए तो इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट का बंदा यहाँ ऑफिस छोड़ के भाग गया है। तो यहाँ ये हालात है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं पूरी रात से, रोड पे लेके नीचे घूम रहे हैं रोड पे। तो ये जो इन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया है, ये सिर्फ 40 घरों को लाइट देने लायक लगाया है। इनको एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए यहाँ पे, जो डेली का काम है, इशू ये सोल्व होने चाहिए। आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं और कितने का फ्लैट आपने? लगभग 1 साल हो गया, 24-25 लाख रुपए में ये फ्लैट पड़ा है, लेकिन उसकी वर्थ आज हमारे लिए 0 है, क्योंकि हम यहाँ से जाके कहीं रेंट पे रहना पसंद करेंगे यहाँ रहने के। ठीक है सर जी, मेरा नाम महेश है, मैं यहाँ पे होटल देवान में रहता हूँ। एक्चुअली ये है कि ये जो पूरा दिख रहा है, यहाँ पे गार्डन बनने वाला था, इन्होंने डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया, गार्डन की जगह एक ओपन स्पेस बना दिया, पूरा गार्डन खा गए। यहाँ पे 10 दुकानें बनी है, जो हमारा DTCP वालों ने पूरा डिज़ाइन पैसे खा के या कुछ मैनेज करके सब डिज़ाइन चेंज करा दिया। 11 दुकानें यहाँ बन गई है, वहाँ पे हमारा ग्रीन एरिया बनने वाला था वो भी खा गए। 50 दुकान का उनके पास लाइसेंस था, 110 के ऊपर में दुकानें बना दी, पूरा हमारा ग्रीन एरिया खा गए। इलेक्ट्रिसिटी नाम पे रोज रोना है, सोलर पैनल लगे हैं वो धूल खा रहे हैं, हवा से उड़े जा रहे हैं, उसका कोई बैकअप नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। हमने सब जगह DTCP के पास गए, DTCP के पास गए, DTCP कोई सुनती नहीं है। 2-2, 3-3 बार गए ओपन फोरम में, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। मैनेजर है, लोगों को देख के भाग गया, आंसर भी नहीं मिल रहा है, हम तो बुरे फंस गए। समाधान नहीं होता तो आगे क्या करने जा रहे हो आप? धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन ही करेंगे सर, अभी क्या कर सकते हैं, हमने गलती तो कर दी है सोसाइटी में लेके। नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति है, दीवान सोसाइटी से है। जी मैम, इस सोसाइटी में हमने 2019 में शिफ्ट किया, जिसमें शिफ्ट करने के बाद यहाँ पिछले साल का अगर हम बताएं तो 5 बार तो यहाँ मीटर सड़ा था पिछले साल भी, जिसमें लोगों ने बहुत सरवाइव किया। लाइट की प्रॉब्लम रही, वही सेम प्रॉब्लम इस साल आ रही है जी। अब लोग कहने के लिए है कि इस टाइम कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में ये देखो कि बच्चों के साथ कितना मुश्किल है सरवाइव करना। इस टाइम पे हम यहाँ पे रह के इतने परेशान हो रहे हैं, सोचा था गरीबी में लॉकडाउन मोदी जी ने दिया है कि गरीबों के लिए ये मकान बनाए गए हैं, इतना तो यहाँ पे मेंटेनेंस है, जो कि 5 साल तक बोला था कि मेंटेनेंस नहीं लगेगा, वही मेंटेनेंस हमें देना पड़ रहा है। उसके अलावा हमें इतना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, पानी को देखा जाए तो पीने के पानी में यहाँ टैंकी के अंदर कबूतर मरे हुए दिख रहे हैं, जो इसको सोचो अगर कोई पिएगा कितने बच्चे बीमार होंगे। पार्क की फैसिलिटी बोली थी, आज तक पार्क नहीं बना बच्चों के लिए, नीचे सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए कोई सिंगल जगह नहीं बनी हुई है यहाँ पे कि एक सिंगल बेंच भी लगा हुआ हो जिसपे कोई बैठ सके। इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, गरीबी के नाम पे लिए तो जरूर है फ्लैट, लेकिन अपने सिर पे बंटा धार किया है, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ हमें यहाँ पे फ्लैट लेने का। इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सारी सारी रात जाग के, मीटर है तो जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मीटर की लोड की, उससे हर बार कम लोड का मीटर लगाते हैं। 450 फैमिली के अप्रोक्स है और यहाँ लोड लेने के लिए कुछ भी नहीं है मीटर में, कभी ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो कभी मीटर फूक जाता है। इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, बच्चों के खेलने के लिए कोई भी कच्ची जगह है या कोई भी कुछ भी स्पेस नहीं बनाया इन लोगों ने, और लेआउट चेंज कर दिया यहाँ सोसाइटी का अपने आप से ही, जहाँ हमें पार्क मिलना चाहिए था वहाँ इन्होंने कमाई के लिए अपनी दुकानें बना ली। कंप्लेन कर करके थक चुके हैं। पिछले लॉकडाउन की बात करूँ तो 13 जून को मेरे खुद के घर में यहाँ पे लॉकडाउन में चोरी हुई थी, चोरी होने का कारण भी बिल्डर है, मैं साफ बोल रही हूँ। चोरी किससे हुई है? यहाँ पे जो फ्लैट्स है उसमें एक दूसरे की चाबी लग जाती है फ्लैट्स में, कोई सुनवाई नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं।
कंप्लेंट की, यहाँ पे कंप्लेंट की, आगे कंप्लेंट की, कोई सिंगल सुनवाई नहीं। हमारे ब्याज पे चोरी होती तो हम मानते कि हाँ भाई चलो पैसा नहीं मिला कुछ नहीं हुआ, लेकिन चोरी बिल्डर के ब्याज पे चाबी लगने पे पहले हमने इनको कंप्लेंट की, पुलिस वाले बोले कि कुछ नहीं है, आपका लोग नहीं टूटा, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। कुदरत का करना यह हुआ कि सेकंड पर्सन के पास फोन आया कि किसी रेंटेड था, उसके ओनर ने फोन किया कि आप जाके चेक करें, मेरा यहाँ पे कोई रेंट के लिए देखने आया। उसने कुदरती क्या हुआ, गलती से अपने घर की ही चाबी लेके चला गया, वो चाबी उसके मकान में लग गई और उसको हमारा केस पता था। उसने हमें फोन किया, हमने पुलिस में रिक्वेस्ट की तो उन लोगों ने हमारी मान के तीन चाबियां दी हमें और वो तीन चाबियां निकाली, तीनों की तीनों हमारे फ्लैट में लग गई। प्रूफ होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे इतने परेशान हो चुके हैं कि बस सोसाइटी नाम नाम की सोसाइटी है। वहीं इन लोगों की माने तो इन्होंने 2019 में सेक्टर 84 में प्यूटल दीवान सोसाइटी में रहने के लिए घर खरीदा था। घर खरीदते समय बिल्डर ने इन्हें खूब सबज बाग दिखाए थे, लेकिन दो साल में ही सब वायदे बनकर रह गए। सोसाइटी में ना तो जनरेटर की कोई व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की। बिजली जाने पर अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। जून माह में पड़ रही गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया। बिजली जाने पर कोई बैकअप ना होने से पेयजल की समस्या खड़ी हो गई। बिल्डर सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में वह लोग जाए तो जाए कहां। लगता है जो पैसा घर खरीदने में लगाया था वह बेकार गया। लगता ही नहीं वह किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी स्लम बस्ती में रह रहे हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद बिल्डर का जमीर जग जाए और उनकी समस्या का समाधान हो सके। सेक्टर 84 में प्यूटल दीवान सोसाइटी के निवासियों की माने तो हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश भर में बिल्डरों की तानाशाही, लापरवाही व धोखाधड़ी द्वारा सताए गए लोगों के लिए सरकार द्वारा हरेरा का गठन किया गया था, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में यह लोग इंसाफ मांगने जाए तो जाए कहां।